हाय गाइस, वेलकम टू शुभम टेकवर्क्स। और ये है मेरे पास एप्पल आईफोन 4S 2019 में, ऑलमोस्ट इसको 9 ईयर्स हो चुके हैं। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है मेरे पास आईफोन 4S का बॉक्स और इसके पीछे दिया हुआ इसका वेरिएंट आईफोन 4S ब्लैक 32 GB। ये ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स में आता है। ये है आईफोन 4S ब्लैक कलर। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। ये है 5 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर, एक USB 230 पिन कनेक्टर चार्जिंग केबल, और ये है ईयरफोन्स विद माइक। Designed by Apple in California। और ये है important product information guide, fingertips quick start guide, iPhone 4S। इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं फोन को और इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ। तब तक देखते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। iPhone 4S की बॉडी आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास में है, तो 2019 में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है ये फ़ोन, और थोड़ा सा छोटा है बस। और पीछे की तरफ हमें ऊपर दिया हुआ है एक 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो 1080p एट 30 fps पे वीडियो शूट कर सकता है। और उसके साथ में है एक LED फ्लैश लाइट, बीच में है एप्पल का लोगो और नीचे है iPhone लिखा हुआ। और नीचे की तरफ हमें मिलता है एक 30 पिन चार्जिंग पोर्ट, लेफ्ट साइड में है स्पीकर, राइट साइड में है माइक्रोफोन, और लेफ्ट साइड में हमें मिलता है रिंगर बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन्स और एंटीना बैंड्स, और राइट साइड में है एक सिम ट्रे और एंटीना बैंड्स, और ऊपर की तरफ है एक 3.5 mm का जैक, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और एक पावर बटन। और फ्रंट में हमें मिलता है नीचे की तरफ एक होम बटन, ऊपर है 0.3 मेगापिक्सल VGA फ्रंट कैमरा, और साथ में है एक माइक्रोफोन, और ऑलमोस्ट 140 ग्राम इसका वेट है और 9.3 mm थिकनेस है। और एप्पल आईफोन 4S में हमें मिलती है 3.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले जो 960x640 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देती है। और ये फ़ोन चलता है एप्पल A5 चिपसेट पर, और इसमें हमें मिलती है 512 MB की रैम, और ये अभी चल रहा है 7.1.2 वर्जन पर। और इस फ़ोन में हमें मिलती है 1432 mAh की बैटरी जो फुल चार्ज होने में पूरे 2 घंटे लेती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियर कैमरा, और ये अभी भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। और इसमें हमें टोटल मिलते हैं 4 मोड्स, वीडियो, फोटो, स्क्वायर और पैनोरामा। यह है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो वीडियो शूट कर सकता है 1080p एट 30 fps में। मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी भी आप इससे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं 2019 में भी। और इसमें मिलता है 0.3 मेगापिक्सल फ्रंट VGA कैमरा जो 480p एट 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और 2019 में ये बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं है। और ये एप्पल का पहला फ़ोन था जिसमें हमें सिरी देखने को मिली थी। हे सिरी, व्हाट्स द डेट टुडे? हे सिरी, सेट मी एन अलार्म फॉर टुमारो 8 AM। Hey Siri, how's you? तो देखा आपने, Siri अभी भी 2019 में इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो 2019 में भी ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, और आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो।
बस आप इसका सॉफ्टवेयर अपडेट मत करना। अगर आपने इसको iOS 9.3.6 पे अपडेट करा तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा और आप इसको 2019 में बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाओगे। और मैंने इस फ़ोन को परचेज़ करा था 2011 में और इसको ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं अब, और मैंने आपको इसको री अनबॉक्स करके दिखाया और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है अभी भी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेकवर्क्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल शुभम टेकवर्क्स।